हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल, मैं आप सबके लिए मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है, साथ ही साथ DHS या DME या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स रहे उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आप सबको अच्छा लगे लाइक भी कीजिए। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट शुड बी एडेड टू -3 सो एज टू गेट +3। -3 के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे जिससे हमें +3 मिले। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 6। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। सो -3 के साथ हम लोग 6 ऐड करके देखते हैं सो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस होने से हम लोगों को माइनस करना पड़ता है और जो नंबर सबसे ग्रेटर है उसका साइन बैठाना पड़ता है। सो इसमें ग्रेटर है 6, 6 का क्या साइन है प्लस, सो +3 होगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 6। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या मुझे व्हाट्सअप नंबर में मुझे बताना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इस जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा इसमें भी आएगा या DHS के एग्जाम में भी आएगा, DME के एग्जाम में भी आएगा। सो नंबर 2, शुमा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। ध्यान रखना क्या बोलता है, ये अच्छे से पढ़ना आप लोग। शुमा ट्वाइस है मतलब डबल है एज ओल्ड एज हर ब्रदर, उसका ब्रदर का जितना एज है उससे डबल शुमा का एज है। इन सिक्स ईयर टाइम द सम ऑफ देयर एज विल बी 39 ईयर्स। मतलब 6 साल में उनका जो एज का सम होगा प्लस करके टोटल 39 ईयर्स होगा। व्हाट इज हर एज नाउ, सो अभी उसका एज कितना है शुमा का। ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन बी 16 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 ईयर्स। सो ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आप लोग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18 ईयर्स। ये कैसे हुआ मैं आप सबको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के मत आना। सो लेट द एज ऑफ हिज ब्रदर मतलब प्रेजेंट एज एक्स, एक्स हम लोग पकड़ते हैं, एज ऑफ शुमा कितना होगा डबल होने से 2x हो जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला 6 साल के बाद उसका एज, सो आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ हिज ब्रदर कितना है x प्लस 6 मतलब आगे जाएगा। उसके बाद एज ऑफ शुमा कितना होगा, शुमा का एज कितना है अभी 2x यानी 6 साल के बाद 2x प्लस 6। और क्वेश्चन में क्या बोला द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर इज इक्वल टू 39 ईयर्स। सो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे हम लोग, सो अभी प्लस करेंगे x प्लस 6 और 2x प्लस 6 सो इक्वल टू 39। उसके बाद x और 2x प्लस करके कितना हुआ 3x, उसके बाद 6 और 6 प्लस करके कितना हुआ 12 इक्वल टू 39। उसके बाद 3x हम लोग उसके बाद 12 को उस साइड लेके जाएंगे सो प्लस 12 माइनस हो जाएगा, 39 माइनस 12 कितना हुआ 27। उसके बाद x लेफ्ट साइड पे रखेंगे और राइट साइड के जो 27 के नीचे 3 चला जाएगा सो कट करेंगे 3 9 जा 27 सो x इक्वल टू 9 ईयर्स, सॉरी x इक्वल टू 9 ईयर्स भी बोल सकते हैं। एज ऑफ शुमा कितना है अभी 2x, सो 2x x कितना है 9, 2 × 9 कितना हुआ 18। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18 ईयर्स। सो आप सबको समझ आया होगा आशा करता हूँ, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए। थैंक यू सो मच।